नाज़रीन आदाब, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ख़ास प्रोग्राम जीनत। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी नाज़रीन के लिए है, लेकिन हमने इसे ख़ास तौर पर ख़वातीन की पसंद को ख्याल में रखकर बनाया है और इसमें उनके मुतालिक सभी मनपसंद चीज़ों को शामिल किया है और उनके मसाइल पर हम गुफ्तगू भी करेंगे और उनकी मालूमात में इजाफा भी करेंगे। तो आइए, आज के इस प्रोग्राम में हम आप सबका इस्तकबाल करते हुए आपको बताते हैं कि आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। घरेलू तशद्दुद जैसे नाजुक मसले पर जिक्र करेंगे, घर में बेकार पड़ी चीज़ों से आपको बनाना सिखाएंगे एक खूबसूरत वॉल हैंगिंग, एनीमिया के बारे में आपको जानकारी देंगी हमारी डॉक्टर, और आखिर में आपको बताएंगे कि सर्दियों में अपने चेहरे को कैसे महफूज रखें। नाज़रीन, आजकल ख्वातीन हर मैदान में अपनी मुकम्मल पहचान बना चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर घरेलू तशद्दुद जारी है। ये बात गांव, कस्बों या छोटे छोटे शहरों की ही नहीं, जाहिल लोगों की नहीं, बल्कि बड़े बड़े शहरों में पढ़े लिखे लोगों में ऐसी वारदातें देखने को मिलती हैं। और हैरानी की बात यह है कि खुद औरतें ये जुल्म सहती हैं और इसे गलत नहीं मानती। कहते हैं कि घर के बाहर औरतें महफूज नहीं हैं, लेकिन घर के अंदर की भी तो कहानी वही है। आइए देखते हैं आवाम का क्या कहना है इस बारे में। लड़कियों पर क्या बीतती, जब एक बार आते हो देखने, दोबारा आते हो देखने और पसंद करने के बाद ना करते तो कितना खराब लगता है। दहेज के लिए तो दहेज कहाँ से दिया जाए। लड़की को उचित शिक्षा दो, हॉस्टल में बाहर पढ़ाओ, उसके बाद जो उन्हें अच्छी शिक्षा देकर मल्टीनेशनल कंपनी, मान लीजिए लड़की है और लड़का उससे कम, फिर भी लड़की वाले तैयार हो जाते हैं, कितना गलत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, कितना गलत है, कितना असर पड़ता है, इससे माँ बाप कितने दुखी हो जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वी नीड टू हैव पीपल फ्रॉम द पुलिस फोर्स, फ्रॉम लॉ, हु शुड कम टुगेदर एंड गिव एडवाइस एज टू हाउ लॉफुली दे कैन टैकल द सिचुएशन। कई किस्से आते हैं जिसमें देखा गया है कि औरतों पर अत्याचार किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे पहले गलती औरत की खुद की है जो ये सहती है। अगर फर्स्ट स्टेप ही ना वो सहे तो कोई भी किसी की हिम्मत नहीं होगी उसको कुछ कहने। मुझे लगता है कि औरतों को एजुकेटेड होना चाहिए, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दें ताकि वो लोग अच्छी जॉब कर सकें और किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि जब डिपेंडेंट होती हैं तो सहती हैं आदमियों के जुल्म को। आई थिंक इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए औरतों को, और ये दहेज वगैरह के अगेंस्ट स्कूल से ही सिखाना चाहिए बच्चों को कि दहेज गलत चीज़ है, और ये सब टेलीविज़न मीडिया वगैरह में प्रमोट करना चाहिए कि औरतों पे उनको इक्वल राइट्स हैं उनके, कि नोबडी, किसी का राइट नहीं है कि उनको टॉर्चर करें, उनको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको अपने अगेंस्ट जो भी उनके लिए अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए और उसको पब्लिकली लाना चाहिए, तभी शायद उनको इंसाफ मिलेगा। पहले तो मैंने बोला कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते तुम डोमेस्टिक वायलेंस की, वाई डोंट। अब तो लेडीज़ सेल है, वुमेन सेल है, वहाँ पे आप रिपोर्ट लिखा सकते हो। कहती आंटी हमने करा था, हमने इनको अंदर भी करवाया था, और वो जब बाहर निकले और भी बुरे होके निकले, और हमें लोग बाग जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने हमारी माँ को नहीं छोड़ा कि तुम्हें चैन आ गया अपने आदमी को अंदर जेल करा के। इस तरह से ताने सुन सुन के मेरी माँ ने अल्टीमेटली 3,000 रुपया देके और केस विड्रॉ करके उसको वापस बाहर ने बनाया, बाहर बुलाया तो वो और शेर हो गया, और अंदर से पता नहीं क्या सीख के आया जो उसके साथ में उनके साथ जो जेल में जो बंद लोग थे उनसे क्या उन्होंने सीखा क्या नहीं सीखा, वो और भी ज़्यादा वायलेंट होने शुरू हो गए। और हमारी दादी को भी नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं छोड़ते। आवाज़ उठानी चाहिए, सहना तो नहीं चाहिए। आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हेल्प मिल सकती है ऐसी लेडीज़ को, ऐसी पीड़ित लोगों को मिल सकती है, तो आवाज़ उठानी चाहिए बिल्कुल। अगर हो सके तो फैमिली वालों को समझाना चाहिए, नहीं समझ पा रहे तो आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये था आवाम का नज़रिया। आइए देखते हैं कि हमारी वकील इस मसाइल का क्या हल पेश कर रही हैं। जो घर में होते हैं, बहुत सी औरतें शादीशुदा या जिनकी शादी नहीं भी हुई है, जैसे जनरली तो ये होता है कि हस्बैंड्स अपनी बीवियों पर ज़्यादातर जुल्म करते हैं, बहुत से तरीके के होते हैं, मेंटल होता है, फिज़िकल होता है, हर तरीके का होता है। तो घर में होने वाले जुल्म जो हमें दिखाई नहीं देते,
जो हमें लगता है दिख नहीं रहे, तो हमें लगता है एक औरत बड़ी खुश है, बाहर से जो देखने में लगता है कि शी इज़ वेरी हैप्पी, पर अंदर से जो उस पर जुल्म हो रहे हैं, जो वो बाहर नहीं आ पाती है, तो मेरे ख्याल में वो डोमेस्टिक वायलेंस है जिसकी जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है। बहुत सी लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जिन्हें बहुत से जुल्म सहने पड़ते हैं हस्बैंड के, अपने सास ससुर के, फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो मारपीट ही हो, बहुत बहुत ताने होते हैं, बहुत सारे सितम होते हैं, विच इज़ अकाउंटेबल टू इट। एक औरत है, उसको बेटी हो गई, बेटा नहीं हो रहा, उसके लिए टॉर्चर करना, बेटी हो रही है बेटी हो रही है, उसमें उसकी गलती तो नहीं है। हस्बैंड, ये तो टोटली डिपेंड करता है हस्बैंड पे, बेटी हो रहा है बेटा हो रहा है तो वो भी एक तरीके का टॉर्चर है। देखिए, हमारी सोसाइटी का सेटअप ऐसा है, सिंस बिगनिंग हम लोगों को यही सिखाया जाता है, एक औरत की शादी हो जाती है उसके बाद उसको ये सिखाया जाता है कि नाउ योर लाइफ इज़ योर हस्बैंड, आपको घर में देखना है, अपने हस्बैंड को देखना है, आपको बच्चे पैदा करने, उसके बाद बच्चे देखना। तो औरत इन सब चीज़ों में अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाती है, बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करती है। ये पहले ये समझा जाता था कि जुल्म सिर्फ उन्हीं औरतों पे होता है जो शादीशुदा हैं, उनके शौहर, उनके सास ससुर, उनके घर वाले उस पर जुल्म करते हैं, पर ऐसा एक्चुअली नहीं है। आजकल ज़्यादातर औरतें जो हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक शादीशुदा औरत है तभी उस पर जुल्म हो रहा है, एक बाप अपनी बेटी पर कर सकता है, एक माँ अपनी बेटी पर करती है, होता है, आजकल की सोसाइटी में सब कुछ होता है, कुछ भी हो सकता है, आप नहीं जानते क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जुल्म खाली एक शादीशुदा औरत पे हो रहा है। तो पहले के लॉज जो थे वो ज़्यादातर स्पेसिफिकली शादीशुदा औरतों के लिए होते थे, जैसे 498 है आईपीसी की, वो ये होता था कि किसी भी शादीशुदा औरत पे अगर जुल्म हो तो वो अपने हस्बैंड के, अपने सास ससुर के, अपने जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनके अगेंस्ट। पर आजकल ऐसा है क्योंकि किसी भी तबके की औरत पे जुल्म हो रहा है, तो वुमेंस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेंस है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, दैट इंक्लूड्स मैरिड अनमैरिड, शादीशुदा और गैर शादीशुदा, दोनों दोनों तरह की कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया। तो अगर मान लीजिए कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड पे जुल्म कर रहा है तो वो भी जा सकती है कोर्ट में, वो भी अप्रोच कर सकती है, या मान लीजिए एक लड़के ने किसी लड़की से शादी का वादा किया, मैं शादी करूँगा तुमसे, और फाइनली शादी नहीं करता उससे, तो वो भी कोर्ट में जा सकती है कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया, क्योंकि वो बैठी तो उसके भरोसे पर थी, सोसाइटी में उसकी इज्जत गई, जो भी गया, वो इवन दैट इज़ मेंटल हरासमेंट, दिमागी तौर से तो वो परेशान हुई। देखिए, मेरे हिसाब से औरतों को खुद इतना हिम्मत रखनी होगी कि जब अगर एक बारी वो घर से बाहर आती हैं किसी चीज़ की शिकायत लेकर, तो अपनी शिकायत पे अड़ी रहें कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। ऐसा होता है, एक औरत का शौहर होता है, उसके बच्चे होते हैं, फिर अगर एक बारी वो बाहर आ जाती है या पुलिस में चली जाती है या कोर्ट में चली जाती है या किसी NGOs में, ऑफकोर्स यू कैन अप्रोच, आजकल बहुत सारे NGOs हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, या किसी NGO में जाती है, तो उसके बाद घर से बड़े प्रेशर्स आने लगते हैं फ्रॉम अपने ससुराल की तरफ से भी, और मायका भी, मैंने देखा है बहुत टाइम पेरेंट्स भी बहुत दबाव देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक बारी माफ़ कर दो, दो बारी माफ़ कर दो, पर ठीक है, जब आप एक बारी बाहर आ गए तो मुझे लगता है आपको अपने यू शुड स्टैंड बाय योर कमिटमेंट, और हिम्मत करके फाइट कीजिए उसको, और बाकी जुडिशरी और बाकी सारी चीज़ें तो हैं। मी बींग लॉयर, आई थिंक जुडिशरी इज़ ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल टू लेडीज़ एंड इट विल ऑलवेज बी। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि हम घर में पड़ी बेकार चीज़ों को रद्दी समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा वक्त दें, अपने दिमाग और हाथ का इस्तेमाल करें, तो हम उन्हीं बेकार चीज़ों से दस्तकारी के बेहतरीन नमूने बना सकते हैं। आइए इस बारे में और मालूमात हासिल करते हैं दिव्या से। जो भी घर में ऐसी फालतू चीज़ें पड़ी रहती हैं उनको लेके कुछ ना कुछ बनाते रहना, जैसे आप सोच भी नहीं सकते, माचिस होती है ना, माचिस की तीलियों से छोटे छोटे एक कार्डबोर्ड को लेके, गत्ते को लेके, उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के उसके ऊपर कुछ भी बनाते रहना, जैसे हट बना दी, कहिए गाड़ी बना दी, फिर उसको रंग कर दिया, बहुत सुंदर लगती हैं ऐसी चीज़ें। जब वो पूरी बन जाती हैं फिर उनको आप घर में सजा सकते हैं। एक अपनी अपनी खुद से कोई चीज़ बनाओ, उसका एक अलग ही, मतलब मन को अलग ही संतुष्टि मिलती है। जैसे आप दिवाली पे, न्यू ईयर्स पे गिफ्ट्स देते हैं, इधर उधर चीज़ें खरीदते हैं, इतनी महंगी चीज़ें खरीदते हैं जिनका मतलब अपना पैसा ही बर्बाद करना हुआ, घर पे अगर हम ये सब चीज़ें लेकर खुद बनाएं तो कितना अच्छा लगता है, और देने में भी अगले को भी कितना अच्छा लगता है जिसको हम गिफ्ट करते हैं कि हम अपने आप हमने ये चीज़ बनाई है। साइकिल की सीखें होती हैं या झाड़ू की सीखें होती हैं या और कुछ हमें नई भी मिले, तो हम छोटी छोटी तारें, सॉफ्ट वायर्स जिनको कहते हैं, उसको भी यूज़ में ला सकते हैं। उनको बस खाली लपेटते जाइए, उनमें कांच लगा दीजिए, तरह तरह के आजकल तो बड़े अच्छे गणेश जी ऐसे मिट्टी के बने होते हैं, उनके ऊपर वो लगा दीजिए, अपने घर के बाहर लगाइए, उसको किसी को गिफ्ट करिए, इतना अच्छा लगता है, अगले को भी
मतलब विश्वास नहीं होगा, ये आपने खुद बनाया है, और एक मन को भी खुद को भी बड़ी तसल्ली होती है, बहुत अच्छा सा महसूस होता है। ये देखिए घर की बेकार चीज़ें जो बची ऊनें हैं, स्वेटर बनाया ऊनें फेंक दी, उसको क्या करना है, उसको यूज़ करिए, बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं उससे। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना समय कैसे यूज़ में लाया है, और जो बेकार की सीखें पड़ी होती हैं साइकिल की वो, और घर में बची हुई ऊनों से मैंने क्या बनाया है। पहले लंबी है, इसको अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं, इसको आधा भी करके बना सकते हैं, ये जैसे मैंने आधी करी है। ऊन नीली, नारंगी, सफ़ेद, ये शाइनी सफ़ेद, आजकल तो तरह तरह की ऊनें होती हैं। ये बनके ये हमने यहाँ पे बनाया है, और ये ऐसे भी बन जाए, ऐसे भी बने। ये साइकिल की सीखे हैं, ये ऊने हैं, नीली, नारंगी, क्रीम कलर, वाइट, और जो भी आप यूज़ करना चाहें। ये तरह तरह की हैं, जो जैसे मैंने आप देख रहे हैं लगाई हुई हैं, शीशे, गोल शीशे, ये अगेन छोटे शीशे, फिर ये बड़े शीशे, ये सितारे, ये भी शीशे अलग अलग तरीके के, ये बेल्स हैं पड़ी हुई, ये शीशे हैं, ये सब हम इसमें लगाएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ इसको। साइकिल की बड़ी सीख को हमने दो हिस्सों में काट दिया, काटने के बाद नीले रंग का या कोई भी जो भी आप यूज़ करना चाहें उसको कस के गांठ बांध दी। अब हमने इसको इन पे लपेटना है। अब देखिए कैसे लपेटेंगे आप, ऐसे ही लपेटते जाना है बस। ये देखिए, ये अब मैं सफ़ेद धागे को लेके गांठ बांधती हूँ। गांठ बांध के इसको ऐसे ही लपेटना है जैसे मैंने नीला लपेटा है। ये इसको हम ऐसे लपेट रहे हैं, और ये पूरा हमने इसको कवर कर देना है, इसको लपेटते लपेटते, जैसे ये सामने मैंने बनाया है। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ये अब हमारा ये तैयार हो गया। ये देखिए, इसको अच्छी तरह सफ़ेद उनको इसमें लपेटना है ताकि सीख नज़र ना आए। ये ऐसे तैयार हो गया। अब इस पे हम तरह तरह की चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे सितारे लगाए हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान देना है, फैब्रिक ग्लू है, फेविकॉल नहीं है, इस पे तभी ये चिपकेगा। अभी मैं इस पे फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। इसको पूरा अच्छी तरह स्प्रेड कर दीजिए, और ये मैंने वॉल हैंगिंग दस्तकारी के इस पे ये लगा दिया। अब ये गोल वाले शीशे, ये देखिए ये शीशा मैंने चिपकाया, ये बाकी शीशे ऐसे करके ये चिपक जाते, इस पे चिपका दिया, और ये तरी तरी के बन जाते हैं। जैसे आप जो भी आप काम दिल से करेंगे वो सामने ज़रूर आएगा। ये देखिए ये अलग अलग आकार के बना सकते हैं। ये मैंने हरा सफ़ेद ले लिया, इसमें नारंगी सफ़ेद, ये देखिए सितारे लगा दिए, कितना सुंदर लग रहा है। आप देखिए अलग अलग आकार, जैसे आपका मन है वैसे आप बनाइए, खूब बनाइए और खूब गिफ्ट करिए। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको आज बनाना सिखाया है आपको बेहद पसंद आया होगा, और आप ज़रूर खुद भी बनाएंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे, दूसरों को गिफ्ट भी देंगे, और ऐसी ही चीज़ें तरह तरह की मैं आपको और बनाना सिखाती रहूँगी। Oh, 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 oh